एवरीवन वेलकम टू काव्या क्लासेस मिस सपना। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग। जैसे कि क्या शुभ नवरात्रि आप सभी को, आप सभी के घर में माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे और आप लोग को सफलता मिले। सो थैंक यू। और चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अच्छे से माता रानी की पूजा करिए और आराधना करिए और अच्छा होगा सभी के साथ। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि क्या आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए जानते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। ठीक है, इट मींस प्रजनन तंत्र। ओके, क्या प्रजनन तंत्र सिस्टम मींस आपको पता ही है, प्रजनन सॉरी सिस्टम मींस तंत्र होता है। ठीक है, और जैसे कि क्या, देखिए नाम में हर चीजें छुपी रहती हैं, एज लाइक एज कि प्रजनन तंत्र रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या रिप्रोडक्शन। अब यहाँ री से आप ऐसे कर सकते हैं, री जैसे मैंने आपको लीवर में बताया था इसमें रीजनरेशन होता है। इट मींस क्या कि मतलब स्वतः, जैसे क्या कि दोबारा से उसी चीज का निर्माण होना, मतलब उसी सेम जैसी। तो यहाँ क्या देखेंगे, री इट मींस दोबारा। ठीक है, ओके। और अगर बात करेंगे इसको इंग्लिश में देखेंगे तो अगेन। ठीक है, अगेन, ओके। और आपको हम क्या बताया था कि सिस्टम ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड सिस्टम। क्या ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड सिस्टम, इट मींस अंगों के समूह को क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पे जस्ट हम आपको लिख दे रहे हैं कि अंगों, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड सिस्टम। हम जितनी बार आपको सिस्टम बताते हैं उतनी बार ये चीजें रिवाइज करवाते हैं कि सिस्टम आप कभी ना भूलिए, तंत्र को ना भूलिए, कि कई सारे अंगों को मिलके क्या बनता है, तंत्र बनता है। तो क्या ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड सिस्टम, इट मींस कि क्या कि अंगों के समूह को। भाई बहुत कमेंट आ रहा है कि मैम आप ट्रांसलेट टू हिंदी करिए। भाई मैं तो पूरा ही बताती हूँ, इंग्लिश भी बताती हूँ, बाइलिंगुअल मेरी क्लास रहती है, हिंदी भी बताती हूँ, दोनों चीजें बताती हूँ, बट फिर भी कमेंट आते हैं मैम प्लीज ट्रांसलेट टू हिंदी। सो आइए देखते हैं, हिंदी में भी देख लेते हैं क्या कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन अंगों के समूह को। ठीक है, अंगों के समूह को, मैं तो आपका टाइम बचाना चाहती हूँ बस और कुछ नहीं। ठीक है, अंगों के समूह को तंत्र कहते हैं। ठीक है, दैट्स क्लियर। अब हम क्या देखेंगे कि ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या है। ठीक है, रिप्रोडक्शन मींस प्रजनन या जनन। इट मींस प्रत्येक जीवधारी, यहाँ का बात करें कि प्रत्येक जीवधारी अपने ही समान, क्या अपने ही समान जीव को पैदा करना या जन्म देना क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। क्या प्रजनन, रिप्रोडक्शन कहलाता है। यहाँ तक चीजें समझ में आई कि अपने ही समान, क्या अपने ही समान एक नई जनरेशन को जन्म देना, क्या अपने ही समान एक नई पीढ़ी को जन्म देना, उसे क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, उस होल प्रोसेस को। ठीक है, कि उस पूरी क्रिया को कि प्रत्येक जीवधारी अपने ही समान क्या करे कि अपने ही समान जीवधारियों का निर्माण कर, निर्माण तो नहीं कर सकते कि अपने ही समान जीवधारियों का उत्पन्न करना, इस प्रोसेस को, होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रजनन रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। ठीक है, क्या देखेंगे, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, दैट्स क्लियर। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे कि प्रजनन, अब हम बार बार हिंदी इंग्लिश दोनों रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, सो प्लीज डोंट कमेंट कि आप लोग ये ना कहिएगा कि आप मैम ट्रांसलेट टू हिंदी, ओके, क्योंकि मैं दोनों बराबर इक्वली बाइलिंगुअल चल रहा है। ठीक है, प्रजनन में क्या देखेंगे ये कितने टाइप का होता है, तो बेसिकली ये क्या होता है, टू टाइप्स का। एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी हम सब कुछ आपको डिटेल्स में बता रहे हैं, दैट्स क्लियर। एंड सेकंड क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके,
किसी का कमेंट आया था मैम रिप्रोडक्शन टॉपिक पढ़ाइए, सो इसलिए जैसे ही क्रोमोसोम्स मैंने बताया जस्ट ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इट मींस अलैंगिक जनन, ठीक है। क्या अलैंगिक जनन, देखिए हिंदी में भी बता रहे हैं आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक है। अलैंगिक जनन और सेक्सुअल मींस क्या होता है, लैंगिक जनन, ठीक है, दैट्स क्लियर, लैंगिक जनन, ओके। तो आपको जस्ट ये समझ में आया कि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन मेनली टू टाइप्स का होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। अगर अब हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किसकी, एसेक्सुअल, तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, जिसके थ्रू हम क्या देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। पहली बात तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि नर फीमेल या मेल की जरूरत नहीं होती है, क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल या फीमेल की, अब मेल मींस होता है क्या, नर और फीमेल मींस मादा होता है, ठीक है, इट मींस नर और मादा की जरूरत जिसमें ना हो उसे क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट मींस इसमें क्या होता है कि मेल फीमेल की नीड नहीं होती है कोई एक पेरेंट, ठीक है। तो क्या इसमें हम कह सकते हैं कि सिंगल पेरेंट, इट मींस कि मेल फीमेल्स में कोई एक भी रहेगा तो उसमें रिप्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है, ओके। तो क्या सिंगल पेरेंट, ठीक, सिंगल पेरेंट, ओके। और फिर क्या देखेंगे, सिंगल पेरेंट की बात आती है और ये जो प्रोसेस होती है शॉर्ट टाइम होता है, क्या कि ये प्रोसेस ज्यादा लंबी नहीं होती है, शॉर्ट टाइम, ओके। अगर इसकी बात करेंगे तो शॉर्ट टाइम, और पता है इसमें कोई वेरिएशन नहीं देखा जाता। इट मींस क्या कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके थ्रू आपको कोई वेरिएशन, कोई विभिन्नताएं नहीं देखेंगी। जैसे एज एग्जांपल हम एसेक्सुअल को कह सकते हैं, आप टू कॉपी करवाने जाते हैं, एक आपके पास कॉपी रहती है, दूसरी कॉपी आप क्या होता है, आपकी टू कॉपी हो जाती है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे है कि टू कॉपी, क्या कि आपके पास एक आपका सर्टिफिकेट है वो आप दूसरे उस मशीन में डालें और सेम उसी के जैसे आपको कॉपी मिल गई, उसी को क्या हम समझ लेते हैं, एसेक्सुअल कि मतलब एज ए कॉपी। तो इसमें कोई वेरिएशन, मतलब कोई विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं, तो इसमें नो वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन मींस होता है विभिन्नताएं, ठीक है, आपको हिंदी इंग्लिश में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हम बता रहे हैं, ठीक है, विभिन्नताएं। और फिर पता है ये किस में होता है, अगर हम बात करते हैं कि एसेक्सुअल कौन सी सेल में होता है, तो यूनिसेलुलर, जो क्या एक कोष की जीव जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किसके अंदर, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। क्या अगर बात करें यहाँ यूनिसेलुलर की, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक कोष की, इसे बोलते हैं क्या, एक कोष की जीव के अंदर होता है, ठीक है। जस्ट हम आपको जो समझा रहे हैं कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है और किसमें क्या वेरिएशन है, यही चीजें आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहां तक चीजें अगर आपको क्लियर हो गई हो तो प्लीज इसे हम इरेज कर दें। क्या कि देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें सिंगल पेरेंट की एक जरूरत होती है, एज ए कॉपी हम कर सकते हैं, इसमें प्रोसेस जो है शॉर्ट टाइम के लिए होता है। और अगर बात करेंगे वेरिएशन की तो नो वेरिएशन, और फिर क्या देखेंगे कि यूनिसेलुलर में होता है। अब जस्ट हम इसे इरेज करते हैं, ठीक है, फिर आपको क्या बताते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ओके, दैट्स क्लियर। तो यहाँ पे चीजें हम जस्ट आपको समझाते हैं कि क्या हम किसकी बात करेंगे, तो अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जैसे कि हिंदी आपको हम बता दिए, इसका ट्रांसलेट कर दिए कि इसको बोलते हैं लैंगिक जनन, ठीक है, क्या लैंगिक जनन, ओके। अब आइए इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे, इसमें ऐसा होता है
है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है, इट मींस बोथ पेरेंट की आवश्यकता होती है, तब जाके एक नया नई सेल का फॉर्मेशन होता है, नए जीव का फॉर्मेशन होता है हम कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या इसमें क्या देखेंगे, मेल, क्या मेल प्लस फीमेल, ठीक है। अब इतना तो आप लोग समझदार हैं ही, फिलहाल हम लिख दे रहे हैं नर, ठीक है, क्या नर प्लस मादा, और क्या इसको बोल सकते हैं बोथ पेरेंट, ठीक है, बोथ पेरेंट की नीड होती है, बोथ पेरेंट, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आई कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि फीमेल, सॉरी मेल और फीमेल दोनों की नीड होती है, बोथ पेरेंट की नीड होती है, नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। और ये प्रोसेस क्या होती है, लॉन्ग टाइम के लिए होती है, क्या देखेंगे, ये प्रोसेस टेकन लॉन्ग टाइम, ठीक है, ये प्रोसेस टेकन लॉन्ग टाइम, और वो क्या थी, शॉर्ट टाइम के लिए थी, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आई, टेकन लॉन्ग टाइम की थी, क्या कि देखिए इसमें समय लगता है, इसमें प्रोसेस इसमें क्या होता है, समय लगता है, टेकन लॉन्ग टाइम, समय लगता है, और लेकिन इसमें वेरिएशन पाया जाता है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है, क्या इसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है, क्या वेरिएबिलिटी पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं, अगर हम बात करेंगे इसकी तो क्या वेरिएबिलिटी पाई जाती है, वेरिएबिलिटी में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाई जाती है विभिन्नताएं बहुत सारी, जिसमें हम डिस्कशन सबका करेंगे, ऐसे आपको भी एक रफली बता रहे हैं कि आपके माइंड में कुछ इमेज बने, आप उसे समझो कि हाँ ये चीजें होती क्या है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं होगा कि क्या, अगर हम बात क्या किए कि रिप्रोडक्शन की, कि अपने ही जैसे संतानें को जन्म देना ही क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है, उसी प्रोसेस को प्रजनन कहते हैं। फिर आपको क्या बताया कि ये टू टाइप्स का होता है, फर्स्ट, और फिर क्या सिस्टम की बात किए कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज गार्ड सिस्टम, ये आपको बताया। फिर आपको क्या बताया कि ये टू टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मींस क्या होता है, अलैंगिक जनन, जिसमें क्या होता है कि ये प्रोसेस में पर एक सिंगल पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, चाहे वो फिर मेल हो या फीमेल हो, और लेकिन एज ए टू कॉपी हम इसे कह सकते हैं। और फिर ये क्या होता है, शॉर्ट टाइम की प्रोसेस होती है, ठीक है, और इसमें कोई वेरिएशन नहीं दिखाई देता है, कोई विभिन्नताएं नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है, और ये होता किसमें है, यूनिसेलुलर में होता है, ठीक है, और ये प्रोसेस किसमें होती है, अगर बात करेंगे तो मल्टीसेलुलर में, बहुकोशिकीय जीव में पाई जाती है, क्या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, क्या बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है, दैट्स क्लियर माय पॉइंट, बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है, ठीक है। क्या कि हम आपको समझा ही रहे थे कि सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं पाई जाती, कोई विभिन्नताएं नहीं होती है, कि इसमें क्या होता है कि यूनिसेलुलर एक कोश की जीवों में ऐसा देखने को हमें मिलता है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें मेल फीमेल दोनों की नीड होती है, बोथ पेरेंट की नीड होती है, टेकन लॉन्ग टाइम के लिए होता है, समय काफी लंबा होता है, और फिर क्या देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि देखिए वेरिएबिलिटी मतलब विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इसका हम पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे, ठीक है, कि वेरिएबिलिटी पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। और फिर क्या देखेंगे कि यो किस सेल में होता है, तो जो बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, कि बहुत सारी कोशिकाओं से जो कोशिका मतलब बॉडी बनी होती है उसमें होता है ये चीजें, ठीक है, क्या बहुकोशिकीय जीवों में कौन सा सेक्स बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ओके। यहां तक चीजें आपको एकदम समझ में आ गई, मुझे ये पता है कि कोई भी डाउट नहीं होगा, और जैसे कि क्या कि यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई, कोई डाउट हो सो प्लीज नहीं कमेंट में आप जरूर बताएं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, और अगर कोई कंफ्यूजन है सो प्लीज पूछिए, नो डाउट, ठीक है।
और फिर क्या, जैसे कि क्या नवरात्रि का दिन है, अच्छे से पूजा करिए और आराधना करिए और आपके सारे विशेष पूरे हो, और जितने लोग आप हमसे जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत शुभ नवरात्रि, और इस नवरात्रि में आप सभी के घर में देवी रानी माता रानी जी आए और आप सभी को आशीर्वाद दें। तो जैसे कि क्या कि हमसे इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, हमारी फैमिली है, तो इस पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। ओके, तो जैसे कि क्या थैंक यू इतनी ज्यादा सपोर्ट करने के लिए हमें, और चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और जैसे कि क्या कोई किसी भी पॉइंट में आपको कंफ्यूजन हो सो प्लीज टेल मी, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो जैसे कि क्या मिलते हैं कल, हैव ए नाइस डे, और अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके बाय, टेक केयर।